Good morning my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself Dr. K. C. Soni, Associate Professor in Geology Godwin Lohia College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh USTB Bikaner. In today's lecture series of entomology, I will deliver my presentation on integumentary process or cuticular outgrowths विच are present इन in एन इंसेक्ट प्रिय साथियों आज की एंटोमोलॉजी की व्याख्यान माला की श्रृंखला में इंसेक्ट के इंटेगमेंट से जो आउटग्रोथ निकली रहती है जो परवर्ध निकले रहते हैं स्किन के जो डेरिवेटिव्स है उस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। इस टॉपिक पे एग्जाम में जनरली छोटे क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट नोट्स आते हैं क्योंकि फुल लेंथ क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही संक्षेप में नट सेल में मैं आपसे इससे चर्चा करूंगा सो टूडे वी विल डिस्कस ऑन इंटेगमेंटिव प्रोसेस इन इंसेक्ट्स इंसेक्ट इंटेगमेंट बियर्स ए ग्रेट नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस इंसेक्ट के इंटेगमेंट में कई प्रकार के परवर्ध है वो पाए जाते हैं आउटग्रोथ पाई जाती है दे आर ऑफ टू टाइप्स ये रचनाएं दो प्रकार की होती है एक तो नॉन सेल्युलर या ए कोशिकीय और सेकेंड टाइप इज सेलुलर या कोशिकी है नॉन सेल्युलर प्रोसेस में दीज प्रोसेस आर एंटायरली कंपोज ऑफ क्यूटिकल एंड मे टेक एनी ऑफ सेवरल फॉर्म्स ये रचनाएं नॉन सेलुलर होती है और पूर्णतया क्यूटिकल की बनी होती है इन रचनाओं में मुख्य एग्जाम्पल जैसे स्पाइन्स के रूप में होती है कंटिकाओं के रूप में रिजेज के रूप में कोई उभार हो सकता है नोडुल्स छोटी गांठों के समान रचनाएं हो सकती है और माइक्रोटिया ये सभी क्यूटिकल से बनी हुई रचनाएं हैं और एकोसी के प्रकार की होती है सेलुलर प्रोसेस जो होते हैं दिस प्रोसेस मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर सेलुलर प्रोसेस जो है ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं एक कोशिकीय है और बहुकोशिकी है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर यूनिसेलर प्रोसेस आर ऑल रिफर्ड टू एस सी टी एक कोशिके जो परवर्ध होते हैं इनको प्राय सिटी के नाम से जाना जाता है बट दे मे बी हेयर लाइक लेकिन ये दिखने में रोम शद्र से हो सकते हैं हेयर के समान हो सकते हैं और फ्लैट एंड स्केल्स या चपटे होकर सल्कों में परिवर्तित हो जाते हैं मे बियर ब्रांचेस जिसके अंदर शाखाएं भी हो सकती है एंड अपियर प्लूमोस और दिखने में वो प्लूमोस प्रकार के दिखाई देते हैं जैसे एंटीना होती है प्लूमोस टाइप की और मे टेक ऑन अदर सेप्स अथवा दूसरी आकृति के अंदर ये परिवर्तित हो जाते हैं इन पर्वतों की जो रचनाएं हैं इनका जो स्किन से बाहर निकला हुआ जो भाग होता है इसको सॉफ्ट के नाम से जाना जाता है, तो सेल के जो होता है इसकी उत्पत्ति एक विशिष्ट कोशिका से होती है जिसे ट्राइकोजन कोशिका के नाम से जाना जाता है दिस प्रोजेक्शन इज सराउंडेड बाई ए सीटल मेम्ब्रेन एंड लाइज विथ इन ए सॉकेट ये जो सफ्ट है ये एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है और एक छोटे गर्त के अंदर एक छोटी कैविटी के अंदर ये आ, असेंबल होता है जिसे सॉकेट के नाम से जाने जाता है द मेम्ब्रेन एंड सॉकेट्स आर फॉर्म्ड बाय ये सेकंड स्पेशल सेल्स कॉल्ड एज टोर्मोजन सेल्स तो इन सफ्ट की जो सॉकेट है उनकी चारों की जो मेम्ब्रेन है उसका निर्माण टोर्मोजन कोशिकाओं से होता है तो कुल्ला के इसके साथ ये दो तरह की कोशिकाएं अटैच होती है एक तो ट्राइकोजन सेल जिसे इसकी उत्पत्ति हो रही है और टॉर्मोजन सेल जिसके द्वारा ये चारों तरफ से घिरा रहता है जैसे इस फिगर में आप देख रहे हो ये सॉफ्ट जो रसना है सेंसिलियम इसकी उत्पत्ति इस सिंगल सेल से हो रही है जो कि ट्राइकोजन सेल्स से, है और इस ट्राइकोजन सेल के चारों जो सराउंडेड सेल है ये टॉर्मोजन सेल्स से, है जो कि सॉकेट का निर्माण करती है तो ये क्यूटिकलर प्रोसेस है सिटी परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ ये जो सिटी है ये मुख्य रूप से एक तो सेंसोरी स्ट्रक्चर्स का कार्य करती है संविध रचनाओं के रूप में कार्य करती है एंड एक्ट एज सिक्यूरिटी स्ट्रक्चर्स और श्रावी रचनाओं के रूप में भी, भी कार्य करती है सेकेंड जो टाइप है मल्टी सेलर प्रोसेस मल्टीसेलर प्रोसेस आर होलो आउट ग्रोथ ऑफ द इंटेगोमेंट ये त्वचा की खोखली अतिवृद्धियां होती है एंड Aligned with epidermal cells. और epidermal के द्वारा यह घिरी रहती है दे जनरली टैक द फॉर्म ऑफ स्पाइन और ये रचनाएं जनरली स्पाइन के रूप में प्रजेंट होती है या में कन्वर्ट हो जाती है आ, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ऑर्डर ऑर्थोपटेरा के सदस्यों में पाई जाने वाली आ, ये रचनाएं अब इसी टॉपिक को एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है दो प्रकार से आता है आ, राइट शॉर्ट नोट ऑन क्यूटिकुलर प्रोसेसेस और कई बार ये क्वेश्चन आता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन आउट ग्रोथ ऑफ क्यूटिकल्स तो दोनों ही तरीकों से मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ इसी का जैसे दूसरा जो फॉर्मेट है या दूसरा जो पैटर्न है आउट ग्रोथ ऑफ क्यूटिकल्स देर आर टू टाइप्स ऑफ आउट ग्रोथ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम इंसेक्ट क्यूटिकल इंसेक्ट क्यूटिकल से दो प्रकार की अति की उत्पत्ति होती है जिन्हें दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है एक तो क्यूटिकुलर अपेंडेजेस के रूप में और सेकेंड क्यूटिकुलर प्रोसेस के रूप में फर्स्ट पैटर्न इज क्यूटिकुलर अपेंडेजेस। दे आर आउट ग्रोथ ऑफ क्यूटिकल दैट आर कनेक्टेड विथ मेम्ब्रेनस ज्वाइंट ये क्यूटिकल की आउट ग्रोथ होती है जो मेम्ब्रेनस प्रकार के जॉइंट के द्वारा जुड़ी रहती है ये दो प्रकार की होती है दे आर ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट टाइप इज स्पर सेकेंड टाइप इज सीटी इस पर जो रचना है ये मल्टी सेलर होती है बहुकोशिकीय होती है और इंसेक्ट की टांगों पे जनरली पाई जाती है इस पर आर मल्टी सेलर अपि फाउंड ऑन लेग्स ऑफ मेनी इंसेक्ट सीटी जो होती है ये हेयर सद्र से होती है रोम के समान होती है प्रोड्यूस बाय सिंगल हाइपोडर्मल सेल्स विच इज एन लार्ज एंड कॉल्ड एज टाइकोजन सेल्स सीटी की उत्पत्ति टाइकोजन सेल से होती है ये मैं आपको पहले स्लाइड में जैसे चर्चा कर चुका हूं द मेबरेन सपोर्टिंग दिटी इज प्रोड्यूस बाई अन सेल्स एज टॉरमोजन सेल्स तो सी टी की उत्पत्ति जो हो रही है वो तो ट्राइकोजन सेल्स हैं और ट्राइकोजन सेल्स के चारोर सपोर्ट करने वाली जो कोशकें हैं जो सॉकेट की फॉर्मेशन करती है वो टोर्मोजन सेल्स के नाम से जानी जाती है और यह रश्मय क्यूटिकुलर अपेंडेजेज कहलाती है तो क्यूटिकुलर अपेंडेजेज दो मेन कैटेगरी के हो गए स्पर के रूप में और सी टी के रूप में ये फिगर है सेम फिगर एनलाज फॉर्म में इसमें जैसे ये ट्राइकोजन सेल्स से, है इस केस की उत्पत्ति हो रही है और ट्राइकोजन सेल के चारों ओर जो सराउंडेड सेल्स से, हैं ये टॉर्मोजन सेल है इनको सॉकेट सेल के नाम से भी जाना जाता है और ट्राइकोजन सेल होती है इसको हेयर सेल के नाम से भी जाना जाता है और ये स्किन का वर्टिकल सेक्शन है स्किन में सबसे बड़ा सीमेंट लेयर है स्किन से वैक्स लेयर है फिर आउटर एपिडर्मिस फिर इनर एपिडर्मिस और ये एक्सोक्यूटिकल एंडोक्यूटिकल नीचे ये एपिडर्मिस का पार्ट है इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है तो स्किन का ये डिटेल वर्टिकल डायग्राम है हाँ, अब जो टाइप्स ऑफ सीटी जो होती है इंसेक्ट में ये जनरली चार प्रकार की होती है सीटी को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है क्लोथिंग हेयर के रूप में सी के रूप में ग्लैंडुलर सिटी के रूप में और सेंसोरी सिटी के रूप में फर्स्ट इज क्लॉथिंग एयर क्लॉथिंग एयर कवर्स द जनरल बॉडी सर्फेस ये शरीर की सामान्य सतह को आवरित करते हैं धागे के समान शाखाओं के रूप में के द्वारा प्रोवाइड होती है तब इनको प्लूमोस हेयर के नाम से जाना जाता है वेन दे आर स्टाउट एंड रिज इट दे आर कॉल्ड एज और जब ये सख्त होती है दृढ़ प्रकार की होती है कॉन्टिनुमा uh, होती है तब इनको ब्रिसल्स के नाम से जाना जाता है और ब्रिसल्स जो अतिवृद्धियां हैं ये फ्लियाज में पाई जाती है uh, टैकेडी फैमिली के सदस्यों में पाई जाती है सेकेंड टाइप इज सी टी स्केल्स, ये सलकों के रूप में उपस्थित होती है जैसे uh, बटरफ्लाई और मौत के पंखों में स्थगी रचनाएं पाई जाती है ग्लैंडुलर हैव कैनाल्स द सिक्रीशन ऑफ हाइट हाइपोडर्म ग्लैंड ये जो रचनाएं हैं ये नलिकाकार होती है और इसके द्वारा हाइपोडर्मल ग्रंथियों का जो सिक्रीशन है वो श्रावित होता है और ये रचनाएं के लार्वा में पाई जाती है सिटी दीज आर एसोसिएटेड विथ नर्व सेल्स एंड एक्ट्स एज ए रिसेप्टर ये संवेदी प्रकार की होती है क्योंकि इसके साथ नर्व एंडिंग है वो जुड़ी है और ये ग्राही का कार्य करती है टेंगो रिसेप्टर का कार्य करती है टेक्टाइल रिसेप्टर्स का कार्य करती है हाँ, ये इसके जैसे सेम सेम है थोड़ा मोडिफाई फिगर है ये जैसे ट्राइकोजन सेल्स है ये इधर डर्मल ग्लैंड्स है और ये बाहर निकला हुआ भाग जो है ये ब्रिसल्स है ये भी स्किन का वर्टिकल सेक्शन जैसे यहाँ पर दिखाया है सेकेंड uh, कैटेगरी है इसमें क्यूटिकुलर प्रोसेस दीज आर क्यूटिकुलर आउटग्रोथ विच वर हैविंग ए मेम्बरस जॉइंट ये क्यूटिकल की अतिवृद्धियाँ होती है जिसमें मेम्ब्रनस प्रकार का जॉइंट पाया जाता है और ये रचनाएं पांच प्रकारों में चार प्रकारों में डिवाइड की गई है माइक्रोट्राइकिया uh, के रूप में स्पाइंस के रूप में स्पेशल प्रोजेक्शंस के रूप में और इंटेगोमेंटल ग्लैंड्स के रूप में फर्स्ट टाइप इस माइक्रोटाइकिया दीज आर माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन विंग्स ऑफ डिप्टेरा ये रोम के समान सूक्ष्म हैं और डिप्टेरा के पंखों में ये पाई जाती है स्पाइन जो होते हैं दीज आर होलो आउटग्रोथ ऑफ क्यूटिकल ये क्यूटिकल की खोखली अतिवृद्धियां होती है विश भी मल्टी सेलर जो कि बहु प्रकार की होती है स्पेशल uh, प्रोजेक्शन प्रजेंट लाइक स्टीड्यूलेटिंग ऑर्गन्स कई बार विशेष रचनाएं होती है जिनका अलग पर्पज होता है, है जैसे ऑर्थोप्टेरा सदस्यों में स्टीड्यूलेटिंग ऑर्गन्स अब ये जो रचनाएं हैं इनका मुख्य काम जो होता है वो साउंड प्रोडक्शंस होता है तो हाउस क्रिकेट है जंगल क्रिकेट है बुश क्रिकेट है और ये आपने देखा होगा शाम के समय जब सूर्यास्त होता है उसके जस्ट बाद में ये चर्पिंग साउंड है वो प्रोड्यूस करती है झिंगुर की जो आवाज होती है टॉयलेट uh, अप्रेटर्स uh, ये जो रचनाएं हैं ये एंटीना की साफ सफाई में ग्रोमिंग uh, में जैसे काम में आती है uh, ये रचनाएं कॉम्ब के रूप में पाई जाती है ब्रश के रूप में पाई जाती है स्पर के रूप में पाई जाती है और जिन इंसेक्ट में एंटीनाएं लंबी होती है uh, उनके अंदर ये रचनाएं काफी विकसित होती है हनी बी के अंदर ये रचनाएं पाई जाती है एंड लास्ट इज इंटेगमेंटल ग्लैंड ये रचनाएं हाइपोडर्मल कोशिकाओं की मॉडिफिकेशंस होती है मॉडिफाइड हाइपोडर्मल सेल्स विच परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस और इनका मेन फंक्शन जो है वो सिक्रीशन uh, करना ही होता है जैसे इंसेक्ट में सैलावे uh, का जैसे सिक्रीशन होता है सिल्क का सिक्रीशन होता है लाख का सिक्रीशन होता है सेंट का सिक्रीशन होता है फिरोमोन का सिक्रेशन होता है ये सभी इंटेगमेंटल ग्रंथियों के रूप में माने जाते हैं तो ये uh, क्यूटिकल प्रोसेसेस। तो इस टॉपिक को मैंने दो तरीकों से आपके साथ ये शेयर किया है और एग्जाम में किसी भी रूप में इसका शॉर्ट नोट जो है वो पूछा जाता है ये इसका डिटेल फिगर है ये जैसे सीटी है इसमें सीटी के ये जो ट्यूबुलर बॉडी है ये फ्लेक्सिबल सॉकेट है ये स्कॉपल सीथ है ये टॉर्मोजन सेल है ये टाइकोजन सेल है जिसकी ओरिजिन हो रही है और इसके नीचे थीकोजन सेल्स होती है ग्लियल सेल्स होती है जो कि एक तरह की नर्व सेल्स हैं और नर्व सेल्स के एक्सोन है वो इसके साथ जैसे कनेक्टेड है और चारों तरफ से बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा ये सराउंडेड है तो ये कि ये डिटेल डायग्राम है इसके वर्टिकल सेक्शन का एक का और मैं समझता हूँ ये छोटा पी पावर पॉइंट प्रजेंटेशन आपके समझ में आ गया होगा और फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप निसंकोच संकोच हमसे संपर्क कर सकते हैं ईमेल के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा यूट्यूब चैनल के इनबॉक्स के द्वारा और आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उन सभी का समाधान किया जाएगा इसी के साथ थैंक यू वेरी मच हैव वे ए गुड डे हैव ए ग्रेट डे